हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विनिंग क्वेश्चन ऑनलाइन क्लासेस आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थर्ड चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ हमारा लास्ट छोटा टॉपिक बचा हुआ है आज हम हाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम बताएँगे कि चाइना और रशिया के बारे में क्यों उसे सुपर पावर कहा जाता है और चाइना के बारे में स्पेशली बात करेंगे कि उसे एमर्जिंग सुपर पावर कहा जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सुपर पावर बनने का ये मतलब नहीं होता है कि आप केवल इकोनॉमिकली डेवलप कर गए आप विश्व में सभी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप अपने आप ही सुपर पावर बन जाओगे सुपर पावर के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है क्यों क्योंकि आप पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस करने वाले हो पूरा विश्व आपको एक रोल मॉडल के रूप में दिख रहा है तो इसीलिए उस देश के अंदर बहुत और भी चीज़ें होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक एडवांसमेंट के साथ साथ वहाँ पे एक तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए लोगों को फ्रीडम होना चाहिए वहाँ पे प्रेस शुड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसके बाद वहाँ पे जो हम बात करते हैं कि मिलिट्री इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हर तरह से एडवांसमेंट होनी चाहिए वहाँ का कल्चर वहाँ का लिविंग लाइफ स्टाइल वो सभी इतना ज़्यादा इन्फ्लुंसिव वो प्रभावशाली हो कि विश्व आपको लीडर मानने के लिए तैयार है लेकिन चाइना में कुछ ऐसी चीज़ें कमियाँ भी हैं जैसे कि डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ उफ स्पीच है आम लोगों के पास कोई राइट नहीं है मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ये सारी उसकी सुपर पावर बनने में कहीं कही ना कहीं बाधा क्रिएट कर सकती है लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से चाइना जो ग्रो कर रहा है उसकी जो इकॉनमी जिस तरह से डेवलप कर रही है ग्रो कर रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ है जो उसको सुपर पावर होने की कैटेगरी की उसके अंदर पोटेंशियल है वो सुपर पावर बन सकता है तो चलिए हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना को इमर्जिंग सुपर पावर क्यों कहा गया सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना को बोलते एक्सपोर्ट किंग यानी ग्लोबल का जो एक्सपोर्टर है पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट किंग है वो चाइना है 1990 में वो पूरे विश्व का मात्र टू से थ्री परसेंट चीज़ें एक्सपोर्ट करता था लेकिन आज वो पच्चीस से तीस परसेंट जो विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन गया है कोई भी चीज़ चाहे छोटे से पिन से लेकर चाहे डिफेंस के गुड्स सभी चीज़ों में आज वो क्या बन चुका है एक्सपर्ट बन चुका है हर चीज़ दूसरे देशों में पहुंचा रहा है अगर हम बात करें एसी की तो 80 परसेंट ए जो एसी जो है वो चाइना से ही आते हैं मोबाइल फ़ोन की अब बात करेंगे तो 70 परसेंट जो मोबाइल फ़ोन है विश्व का वो चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है अगर हम शूज़ की बात करें स्टील की बात करें आयरन की बात करें उसमें भी चाइना फिफ्टी से सिक्सटी पूरे विश्व का मार्केट कैप्चर कर रखा है खाने पीने की बात करें जिसमें सबसे पहले हम एप्पल की बात करते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है एप्पल का वो भी चाइना है और सेकेंड नंबर पे यूएसए आता है और मात्र सिक्स परसेंट सोचिए टोटल एक्सपोर्ट का मात्र सिक्स परसेंट यू एस ए कर रहा है सेकेंड नंबर पे आ रहा है और चाइना फर्स्ट नंबर पे मोर देन फिफ्टी परसेंट एक्सपोर्ट कर रहा है यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कितना ज़्यादा गैप है ये आपको दिख रहा है चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे फूड के मामले में हो हर चीज़ में चाइना क्या कर रहा है एक्सपोर्ट में नंबर वन है उसके आस कोई भी कंट्री उसको कंपेट करने के लिए नहीं है बहुत लोग सोचते हैं कि चाइना जो है चीप सामान बनाता है जो घटिया सामान होते हैं कम रेट के सामान होते हैं वही बेसिकली एक्सपोर्ट करता है तो आपकी सोच गलत है चाइना बहुत सारे जो आईफोन है आईपैड है वो सब भी कहाँ पर असम्बल होते हैं चाइना के अंदर ही असेंबल होते हैं और लग्जरियस चीज़ों में भी चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है इसी इसलिए इसे ग्लोबल एक्सपोर्ट किंग कहा जाता है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि हर एक चीज़ अपने देश में बनाने की रखने की कैपेबिलिटी वो रखता है और पूरे विश्व में जिस तरह से वो एक्सपोर्ट कर रहा है लार्जर एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर आया है आज हर किसी देश को उसने अपने पर डिपेंड कर लिया है ये उसकी एक सबसे बड़ी ताकत है दूसरी हम बात करते हैं कि सबसे जो एक और चीज़ को बनाती है लोकल फॉर वोकल आपको पता है इंडिया ने अब जाकर लोकल फॉर वोकल का ऐड करना स्टार्ट किया है कि जब तक हम अपने डोमेस्टिक गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे उसको हम एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे उसको पब्लिसिटी नहीं करेंगे उसको हम खुद सबसे पहले यूज़ कर करेंगे नहीं तब तक दूसरा उसको कैसे यूज़ करेगा चाइना को ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गई थी और उसने 1980 के दशक में ही उसने काम स्टार्ट कर लिया था कि लोकल फॉर वोकल यानी कि अपने डोमेस्टिक चीज़ों को ही वो यूज़ करता है बाकी जो विदेशों की बनी हुई चीज़ है वो बिल्कुल बैन कर रखा है उसने खुद तो उसने हर देश में जाके उसने सेंध लगा रखा है मार्केट के अंदर चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो हर कंट्री के अंदर घुस के उसने अपना सामान बेच रहा है वो बड़ी मात्रा में बेच रहा है वहाँ के डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है उसको मार्केट से आउट कर दिया है लेकिन खुद दूसरों की चीज़ों को वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता बल्कि वो बैन कर देता है और यही रीज़न है कि अमेरिका के साथ उसकी नाराज़गी भी है कि कहीं पर भी जो इन्वेंशन होते हैं नई टेक्नोलॉजी होती है वो अमेरिका डेवलप करती है अपने आर एन डी पे इतना पैसा खर्च करती है लेकिन जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर बनाता है चाइना उसकी कॉपी करके और दूसरी जो अमेरिका की बनी हुई टेक्नोलॉजी है उसको अपने देश में बैन कर देता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब मैसेज के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं पूरा देश में विश्व में हर कोई व्हाट्सएप को बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहा है लेकिन उसने चाइना को वो लोगों को पता ही नहीं कि व्हाट्सएप नाम की कोई चीज़ है और उसने अपने देश में इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली बैन कर रखा है और उसके जगह पे उसने अपने ऐप बना रखे है वी चैट अगर आप चाइना जाएंगे तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे आपको जो वी चैट है वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ये आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरा हम और आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेसिकली एमेज़न यूज़ करते हैं वहाँ पे उनका खुद का अपना ऑनलाइन वो ऐप है अली बाबा वो यूज़ करते हैं पूरी दुनिया जहाँ पे ओला उबर यूज़ कर रही है उनका खुद का डी है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं गूगल यूज़ करते हैं वहाँ पर यूसी ब्राउज़र है सर्च इंजन के लिए तो सभी चीज़ों पे उसने क्या करके अपनी मोनोपोली यानी कि अपना बना हुआ सामान ही यूज़ करेंगे दूसरे की चीज़ों को कभी भी ना यूज़ करेंगे ना प्रमोट करेंगे अपने देश में उसको मार्केट नहीं देंगे समझ में ये उसकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है यानी दूसरे के देश में जाके हम मार्केट लेंगे बड़ी बड़ी मात्रा में लेंगे वहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को हटा देंगे जो खुद की उनकी इंडस्ट्री है उनको तबाह कर देंगे बर्बाद कर देंगे लेकिन अपने देश में दूसरों को सामान हम बिल्कुल नहीं बेचने देंगे पूरी तरह से उसको नकार देंगे और बैन करेंगे ये उसकी पॉलिसी है जो अपने लिए डोमेस्टिक गुड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है तीसरा हम बात करें हम सभी जानते हैं कि चाइना के अंदर सबसे सस्ते सामान बनते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है उसका मास प्रोडक्शन है लेकिन बड़े लेवल पे वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है और हम सभी जानते हैं कि जब आप लार्ज स्केल बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तो कई तरह के एडवांटेज आपको प्राप्त होती है और जिसके कारण आप पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है सस्ता हो जाता है आपको पता है कि भारत में अभी भी स्मॉल स्केल जो है मिडल स्केल उन्हीं पर जो गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट है वो बहुत हाई होती है और यही रीजन है कि चाइना के कॉस्ट के मामले में चाइना से कोई कॉम्पिटिशन नहीं करता वो इतने लार्ज स्केल पर इतने बड़े स्केल पर बनाता है कि उसकी कॉस्ट इतनी माइनर से हो जाती है कि कोई भी जो डोमेस्टिक कंट्री है वो उसको कंपीट नहीं कर पाता वो मार्केट से हट जाता है और चाइना को अकेले मार्केट मिल जाता है सामान को बेचने के लिए यानी कि मान लीजिए कोई भी ट्वाइस है अगर हम मान लो इंडिया के अंदर दूसरे कंट्री में बीस का बेच रहा हैं चाइना उसको दस रुपये में बना लेते हैं बात समझे क्यों इसके भी हम मैं रीज़न बताऊंगे ऐसा क्यों होता है तो जब बड़े प्रोडक्शन पे बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो कई सारे बेनिफिट्स के कारण जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट इतना सस्ता हो जाता है जो किसी भी देश के पास इतने सस्ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं मिल पाता और चाइना उसका एडवांटेज लेकर दूसरे कंट्री में जाकर सामान को आसानी से कम रेट पर बेच लेता है चौथी हम बात करें तो उसकी सबसे जो एक ताकत है वो स्टेबल गवर्नमेंट है आपको पता है जब भी कोई एफ डी आई यानी कि जो फ़ॉरन इन्वेस्टर किसी भी देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनको ये डर रहता है कि जहाँ से जहाँ पर बेसिकली डेमोक्रेसी है कि पाँच साल के अंदर फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट आएंगी फिर से इलेक्शन होंगे हो सकता है कि सरकार बदल जाए आपको पता है कि जब भी सरकार गवर्नमेंट बदलती है उनकी पॉलिसी बदलती है उनके रूल्स बदलते हैं है, इंडस्ट्री के कई सारे नए नए नॉर्म्स बदलते हैं जिससे उनके मन में हमेशा टेंशन रहता है कि अब नई जो गवर्नमेंट आएगी क्या उसको कॉपरेट करेगी उनके जो भी पॉलिसीज होगी उनके लिए फेवरेबल होंगे या नहीं होंगे क्या वो दूसरी कंट्री के साथ मतलब अपना टाई अपना कर ले तो इसीलिए वो इन्वेस्ट करने से पहले उनके मन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं बट चाइना के केस में क्या है कि पिछले सत्तर सालों से एक ही पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है तो जो एफ होते जो फ़ॉरन इन्वेस्टर्स होते उनके मन में डर नहीं होता उनको पता है कि यहाँ पे एक ही पॉलिसी चलेगी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके लिए काम कर रही है रेगुलर तो बार बार गवर्नमेंट बदलने से जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस नहीं करना पड़ेगा और वो बेफिक्र होकर वहाँ पर इन्वेस्ट करने चले जाते हैं तो ये सारी मैं स्ट्रेंथ बता रही हूँ चाइना की उसके बाद हम बात करते हैं कि चाइना की और क्या क्वालिटी है कॉस्ट इफेक्टिव लेबर आप सभी जानते हैं कि चाइना के पास ऐसा नहीं है कि चाइना के लेबर सस्ते हैं चाइना के लेबर हमसे बहुत महंगे हैं बट उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है वो इतनी ज़्यादा उनकी हाई है कि हम जो पर यूनिट है फिर से सस्ता हो जाता है कैसे अगर मान लें इंडिया में एक दिन में एक लेबर सौ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो चाइना में एक दिन में एक लेबर हज़ार गुड्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है तो अल्टीमेटली क्या हुआ कॉस्ट पर यूनिट सस्ता हो गया यानी कि आप अगर लेबर को सौ यूनिट के लिए पे कर रहे हो अगर दस हज़ार रुपये वहाँ पर एक यूनिट के लिए अगर आप बीस भी पे कर रहे हो तो पर यूनिट तो आपको सस्ता पड़ा इसके पीछे रीज़न है वहाँ के जो लेबर है हाईली एक्सपीरियंस्ड काफ़ी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है वहाँ के बहुत एक्स, जो एक्सपर्ट्स हैं जिसके कारण उनकी जो उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो हाईली एफिशिएंट जो कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड लेबर है और जिसके कारण वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है और जो मैंने ऊपर बताया था कि पर यूनिट कॉस्ट अल्टीमेटली और भी ज़्यादा कम हो जाती है और सस्ते में पूरी दुनिया को ईजिली कम रेट पर अपने गुड्स बेचने के लिए सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होगा ये भी जब एफ कहीं पर भी, भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फॉरन डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाए इससे क्या बेनिफिट होता है तो अजाइना के पास एयरपोर्ट हो गया पोर्ट हो गया हाईवे रोडवे सभी वर्ल्ड क्लास है सभी हाई टेक है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सस्ता है वहाँ पे पावर जो है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन है पावर की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है तो जब ये सारी चीज़ें भी आप उनको पहले से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दे रहे तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती हर चीज़ को सस्ते रेट पर मिल रही है हर चीज़ को ईजिली एक्सेसिबल हो रही है वहाँ पर उसको लेबर मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है वो भी एक्सेसिबल है बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होंगे और वहाँ पर वो जाएंगे यही रीज़न है कि चाइना में इतने इन्वेस्टर चाइना को सबसे पहले टारगेट बनाते हैं और वो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं जो कि आपको पता है कि अभी भी भारत में ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर जीरे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अगर इलेक्ट्रिसिटी है भी तो वो इतनी हाई रेट पर है कि जो अफोर्डेबल नहीं है तो ये सब चीज़ें चाइना ने बहुत पहले से ही डेवलप किया हुआ है अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें तो उसमें भी चाइना बहुत आगे है क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका और हमारे देश में जो बच्चों को पढ़ाने के तरीके में बहुत डिफरेंस है चाइना के अंदर बच्चों को बेसिकली ये नहीं कि आप बुक का पढ़ाई पढ़ लो और आपकी पढ़ाई हो गई ऐसा नहीं है वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है बच्चों को और यही रीज़न है कि बच्चे कहते हैं ना कि चाइना के हर घर में बच्चा जो वो एक्सपर्डीज है एक्सपीरियंस्ड है स्किल्ड है घर घर में कुछ भी वो मैन्युफैक्चर करता है उनके लेबर इतने मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने कुछ भी ना बनाया अगर आप दिखा दोगे कि ये चीज़ बनाना खोल के देखेंगे और फटाफट कहेंगे ठीक है हम बना देंगे क्यों क्योंकि उनको इस तरह से मतलब तैयार किया जाता है बचपन से उनको ऐसी एजुकेशन दी जाती है टेक्निकल चीज़ों को बेसिकली जो थियरटिकल चीज़ों पर फोर्स ना करके वो प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है हमारे इंडिया में आपको पता होगा आज भी एजुकेशन सिस्टम क्या है कि आप रट लो अगर आपने ज़्यादा रट लिया आप फर्स्ट आके आपने कम रट लिया तो आप पोजिशन कम आ गई यानी कि बेसिकली जो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो थियोरिटिकल ना होकर प्रैक्टिकल होना चाहिए जो रियल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़े आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे डिग्री होल्डर है बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलता क्योंकि पढ़ाई और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बहुत डिफ्रेंसेज है ये बात को समझना पड़ेगा और इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने पर ध्यान दिया जा रहा है तो चाइना ने इस चीज़ को समझ लिया बहुत पहले और इसीलिए कहीं ना कहीं चाइना हमसे आगे है उसके बाद हम बात करते हैं चाइना की जो और भी बहुत सारी क्वालिटी है जो चाइना को दूसरों से अलग बनाती है तो उसके बाद हम बात करते हैं चाइना के जो इंडस्ट्री नेटवर्क क्लस्टरिंग इंडस्ट्री नेटवर्क क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है आपने सेट किया है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे सबॉर्डिनेट इंडस्ट्री भी होते हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे उनके पार्ट्स के लिए तो वो क्या करते हैं बेसिकली उसके आसपास पास से उस पार्ट्स को एस्टेब्लिश कर देते हैं आसपास से उस स्टेट के बाद डेवलप कर देते हैं इससे क्या होता है कि अननेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपने कोई चीज़ मैनुफैक्चर किया मेन इंडस्ट्री आपने सेटअप किया उसके जो सबॉर्डिनेट्स है या उसके पार्ट्स है या उसके रॉ मटेरियल वो इतनी दूर मिलते हैं जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट में तो ऐड होगा बट चाइना ने क्या कह रहा है कि जो भी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं चाहे रॉ मटेरियल हो गए या कोई उसके पार्ट्स हो गए उसके आसपास उसने डेवलप कर दिया ताकि ईजिली सभी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाए कम रेट पे मिल जाए टाइम की वेस्टेज ना हो पैसों की वेस्टेज ना हो और इस तरह से उसने नेटवर्किंग बना रखी है ताकि इजीली सभी चीज़ें कम रेट पे रेगुलर मैन्युफैक्चर होता रहे जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका ने भी इस चीज़ को अपनाया था जैसे भी न्यूयॉर्क है कहते हैं यहाँ पे जो सारे जो फाइनेंस सेक्टर्स हैं जो सिलीकन वैली है वो पूरा आई सेक्टर है आपको पता है इंडिया में भी ऐसे नेटवर्क क्लस्टरिंग को डेवलप किया जा रहा है जैसे बेंगलोर जाओगे आपको सारे आईटी के दिखेंगे यानी कि एक जगह पर एक इंडस्ट्री को पूरा डेवलप कर देना हर चीज़ हर फैसिलिटी उसकी सराउंडिंग ही प्रोवाइड कर देना ताकि टाइम एनर्जी और पैसों तीनों की बचत हो उसके बाद इससे भी ज़्यादा एक चीज़ है जो चाइना के अंदर इससे ज़्यादा देखा गया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट है वो पार्टनरशिप में यानी कि कोलापोरेट एक साथ काम करती है यानी कि जो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना को मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री का डील लेना है तो वहाँ का जो प्रेजिडेंट है वो खुद वहाँ पे दूसरी कंट्री पहुँच जाएगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, को लेकर बिजनेस मैन को लेकर वहाँ पर उसकी डील करातेगा करोड़ों अरबों का फायदा हो जाएगा जो चाइना को बहुत बेनिफिट होगा लेकिन वहाँ पे कोई विपक्ष तो है ही नहीं आपको पता है वहाँ पे दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ है वो किसी भी सरकार के बारे में इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकती लेकिन यही चीज़ अगर इंडिया में हो जाए कि नरेंद्र मोदी किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सौ करोड़ दो सौ करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाते सारे अपोजिशन उठ जाएंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हम तैयार हो जाएंगे जो दूसरे इंडस्ट्रियस्ट है वो मोदी को चोर बोलने लग जाएंगे तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे होता है क्या जो गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती है अपनी इमेज को ठीक करने के लिए लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ की आपको पता है किसी भी चीज़ में जो एक्सपीरियंस है कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान यानी कि कर कर के हम बहुत कुछ सीखते हैं तो आपको पता होगा कि चाइना आर एन डी पे एक रुपया भी खर्च नहीं करता कुछ भी खर्च नहीं करता कोई बजट नहीं बनाता कोई इस तरह की चीज़ इनोवेशन नहीं करता वो कर कर के इतने एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज हो गया है कि वो कुछ भी बनाने में कैपेबल हो चुके हैं तो ये सारी जो क्वालिटी है बेसिकली चाइना की जो चाइना को इमर्जिंग सुपर पावर के सामने कैटेगरी में खड़ा करता है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम भी है आपको पता होगा चाइना के कि जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि वो आने वाले वाला सुपर पावर बन ही जाएगा केवल आप इकोनॉमिकली पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है बहुत सारे वहाँ के जो जो आम जनता की जो एस्पिरेशन होती है उनकी जो डिमांड्स होती है उसको भी सुनना पड़ेगा उसको भी समझना पड़ेगा तो ही आप रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हो लेकिन फिलहाल जो है इकोनॉमिकली चाइना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर है विश्व सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी अगर हम कह सकते हैं तो उस टाइम पर चाइना है इसीलिए इसको सुपर पावर एमर्जिंग सुपर पावर कहा गया है पोटेंशियल है सुपर पावर बनने चलिए हम बात करते हैं दूसरी कंट्री रशिया की जिस तरह से हम देखते हैं कि चाइना का कोई हिस्ट्री नहीं था कि चाइना स्टार्टिंग से कोई सुपर पावर था उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है स्टार्टिंग में चाइना ने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पॉवर्टी जैसी चीज़ों को फेस किया ठीक है बहुत सारे अपनी कमियों से उसने बहुत कुछ सीखा है लेकिन जो रशिया की बात करते हैं रशिया की जो हिस्ट्री है वही काफ़ी पावरफुल है वो शुरू से एक पावरफुल नेशन के रूप में जाना जाता है चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था चाह जो रशिया है वो काफ़ी एक स्ट्रांग पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया था उस टाइम से यू के रूप में हम जानते थे काफ़ी सारे देशों को मिलाकर ये बना था लेकिन 1991 में जब यू एस एस आर डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद आपको पता है कि जो उसका यू एस एस आर का सक्सेसर है बेसिकली रशिया को कहा जाता है और उस टाइम पे रशिया की इकॉनमी पूरी तरह तो से कोलाप्स हो गई थी वहाँ पे जो उसकी करेंसी रूबल है काफ़ी गिर गए थे जो फाइनेंस सेक्टर है क्रैश हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी माफ़िया लोग वहाँ पे एमर्ज हो गए थे कई सारे टेररिस्ट अटैक हुए लेकिन कहते हैं ना जिसका है जो इतिहास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो वो फिर से कहीं ना कहीं अपने पावर को रिस्टोर कर लेता है और दोबारा से गेन कर लेता है तो वही चीज़ें रशिया के बारे में भी कहा जाता है कि जब 2000 में जो व्लादिमीर पुतिन है जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो रशिया की जो फिर से एक बार कहते हैं ना कि जो डेस्टनी है जो तकदीर है फिर से बदल गई और जो एक सुपर पावर के रूप में उसकी पहचान थी वो दोबारा से उसने वहाँ से दोबारा से रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया सबसे पहले जो व्लादिमिर पुतिन प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने जितने भी टेररिस्ट अटैक थे टेररिस्टम था उसका उन्होंने सफाया किया क्योंकि जो टेररिस्ट है वो देश को खोखला बनाए थे आम लोगों को शांतिपूर्ण जो उसका मतलब एक पीस है मेंटल वो छीन लेते सबसे पहले उन्होंने उनका सफाया किया जो व्लादिमिर पुतिन आप जानते हैं कि वहाँ रशियन जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे जो एजेंसी है उसका वो के उनके वो कर्नल रह चुके हैं इसीलिए उनकी पर्सनालिटी काफ़ी इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़तरार पर्सनैलिटी के अंदर माने जाते हैं तो अब रशिया की बात करते हैं तो पूरे विश्व का जो लैंड मास है जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा रशिया के पास है अगर हम साइज वाइज बात करें लैंड वाइज बात करें तो पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पे जो रैंक फर्स्ट है वो रशिया का आता है और सबसे मजे की बात कि देश विश्व का सबसे बड़ा देश यानी कि साइज़ वाइज लैंड मास वाइज टेरिटरी वाइज सबसे बड़ा देश रशिया है और उसकी जो पॉपुलेशन है मात्र 14 करोड़ यानी कि हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश यूपी जो एक स्टेट है उस स्टेट से भी कम पॉपुलेशन वहाँ पर है तो आप समझ सकते हो इसका मतलब कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है पॉपुलेशन इतनी छोटी सी है इतना ज़्यादा लैंड मास है नेचुरल रिसोर्सेज के कहते हैं वहाँ पे पूरी तरह से भंडार है वहाँ पे नेचुरल गैस हो गया ऑयल हो गया ये सब वहाँ पे बड़ी मात्रा में एबेंडेंस वहाँ पे पाई जाती है जो रशियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है तो उसके बाद हम बात करें रशिया की जो आर्मी है वर्ल्ड की सेकेंड बेस्ट आर्मी के अंदर आती है अगर अमेरिका के बाद किसी के पास अगर बेस्ट आर्मी है मिलिट्री है तो वो रशिया है जो रशिया को फिर से सुपर पावर बनाने की डिग्री में इसको लाता है क्योंकि जिस देश के पास जितनी ज़्यादा स्ट्रांग मिलिट्री होगी वो देश उतना ही ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा और इसीलिए पावर के रैंक से देखा जाए तो उसमें भी रशिया ने नंबर दो की पोजीशन होल्ड की हुई है मोस्ट पावरफुल कंट्री में सेकंड नंबर पे रशिया का नाम आता है डिफेंस गुड्स में रशिया काफ़ी आगे निकल चुका है बनाने में टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और उनकी सबसे बड़ी जी कहते हैं ना कि जो व्लादिमिर पुतिन है उसकी जो डिप्लोमेसी है कि सही टाइम पर सही फैसले लेना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी व्लादिमिर पुतिन के अंदर मानी जाती है और यही रीज़न है कि पिछले हम लोग जिस मतलब काफ़ी छोटे होते थे तब से हम रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ही जानते हैं और आज भी रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमिर पुतिन ही है और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है रशिया के अंदर जितनी उनकी इन्फ्लुएंसी पर्सनैलिटी है इस हिसाब से लगता है कि ना जाने कई सालों तक तो रशिया में व्लादिमिर पुतिन का जो सत्ता है वो सेफ है तो उनकी डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता होगा कि इस टाइम चाइना और रशिया के जो बीच टेंशन बहुत ज़्यादा है एल कितना टेंशन है रोज़ आप लोग हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते हैं उनके बीच तनाव टेंशन चाइना और भारत के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है बट इसके बावजूद रशिया के डिप्लोमेसी कारण व्लादिमिर पुतिन की डिप्लोमेसी देखिए ये दोनों ही देशों से उसने अच्छा रिलेशन बना रखा है उसका चाइना से बहुत अच्छा रिलेशन है और भारत के साथ भी उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं इवन अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी इन दोनों के साथ बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाया आपको पता होगा कि जो इस टाइम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप कई बार चाइन जो भी कोरोना वायरस है उसको चीनी वायरस कह चुके हैं जिसके कारण चीन ने कड़ी आपत्ति भी जताई है जिसके लेके उनके मनमुटाव भी हुए कई सारे चीनी ऐप अमेरिका में बंद कर दिए गए बहुत सारे जो ट्रेड उनके एग्रीमेंट थे वो उन्होंने कैंसिल किए लेकिन जो व्लादिमीर पुतिन की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों ही देशों के साथ उन्हें बहुत ही बैलेंस्ड एक रिलेशनशिप मेंटेन अभी तक किया हुआ है और व्लादिमीर पुतिन जो पावरफुल पर्सनालिटी है जो कहते हैं इस टाइम पे अगर किसी भी प्रेसिडेंट की सबसे पावरफुल पर्सनालिटी मानी जाए तो वो व्लादिमिर पुतिन है कहते हैं अपने रशिया के अंदर वो नाइन्टी परसेंट जनता जिससे ज़्यादा जनता उनको फेवर में उनको सपोर्ट करती है हर चीज़ की उनको नॉलेज है हर मतलब मेंटली फिज़िकली डिप्लोमेटिकली हर तरह से जो व्लादिमिर पुतिन है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ही एक रशिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और सुपर पावर उसको बनाती है तो थैंक यू यहाँ पे हमारे चैप्टर और वीडियो दोनों खत्म होते हैं मैंने यहाँ तक चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया दे, धीरे धीरे देर, बहुत जल्दी मैं सारे सिलेबस तीन चार दिन में आपको मिल जाएंगे मुझे पता है आप लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि सिलेबस बार बार रिवाइज हुए बट आप लोग डरिए मत चिंता मत कीजिए जो भी मैं आपको वीडियो डालती हूँ प्लीज़ उसको देखते रहिए और आराम से सारे सिलेबस आपके दो तीन महीनों में, में कंप्लीट हो जाएंगे थैंक यू